जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं हरितालिका व्रत कथा, जो अखंड सुहाग प्रदान कर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। वह सदैव ही पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहती थी। उसकी ननद भी सीधी सादी थी, किंतु उसका मन पूजा पाठ धर्म कर्म में बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ समय बाद ननद का विवाह भी हो गया। भाभी हर साल तीज का व्रत किया करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी। जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने अपनी ननद को भी ससुराल से बुलाया। ननद रानी भाभी के बुलाने पर आ तो गई, लेकिन वह ना तो अपनी भाभी के साथ व्रत करती और ना ही व्रत कथा सुनने में उसका मन लगता। भाभी ने तीज का व्रत किया तथा तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी का दान भी किया। तीज व्रत पूरा हो जाने पे ननद अपने ससुराल चली गई। ननद अब जब कभी भी कांच की चूड़ियां पहनती तो वह टूट जाती। बिंदी लगाती वह हट जाता। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप ही मिट जाता। ननद को इन सभी बातों से बहुत ही चिंता हुई और उसने ये सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई। सास भी ऐसा सुनकर बहुत ही चिंतित हो गई और वह अपने गुरु के पास गई और उन्हें बहू की यह सारी बातें बताई। गुरुजी ने यह सारी बातें जब सुनी तो वह समझ गए। उन्होंने कहा कि आपकी बहू पर एक संकट आने वाला है। उसके विधवा होने का योग बनता दिख रहा है, इसलिए ही उसके श्रृंगार की सारी वस्तुएं टूट रही हैं और खो रही हैं। सास ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव बोले कि अमर सुहाग का वरदान केवल माता पार्वती ही देती हैं। अतः अपनी बहू से कहो कि वह तीज का व्रत करे, माता पार्वती भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजन करे, तीज माता के नाम से सुहागन महिलाओं को तीज की पिटारी दान करे और उनसे आशीर्वाद ले। इस सबसे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सासू माँ ने गुरुदेव के चरण छुए और घर आकर बहू को सारी बात बताई। बहू सारी बात सुनकर बहुत ही पछताने लगी कि कैसे उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उससे भी पूजा करने को कहती थी, लेकिन वह आलस कर मना कर देती थी। उसने मन ही मन तीज माता से क्षमा प्रार्थना की और तीज का व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपनी भाभी के साथ तीज का व्रत किया। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजन किया तथा तीज माता की व्रत कथा भी सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटी। इस सब से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। अब जब भी वह श्रृंगार करती तो ना तो उसकी चूड़ी टूटती, ना ही बिंदी खोती, ना सिंदूर उड़ता। अब वह अपनी भाभी की तरह ही हर साल अपने घर पर तीज का व्रत करती, पूजा पाठ विधिवत करती। इससे उसके घर परिवार में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनका घर धन धान्य से भर देना और उनका सुहाग अखंड करना। तीज कथा जोड़े से सुनी जाती है, अतः दूसरी कथा श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी एक सुंदर सुशील कन्या थी। एक बार उनके घर में एक साधु आए। साधु ने उस कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या के तो वैधव्य योग है। इस पर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत ही चिंतित हो गए तथा साधु महात्मा से इस योग को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि इस कन्या का विवाह होते ही जो भी पहली तीज आए उससे ही यह व्रत शुरू करे तथा पूर्ण श्रद्धा भाव से तीज माता का व्रत करे तथा सदैव माता पार्वती का गुणगान करे तो उनके आशीर्वाद से इसका वैधव्य योग टल जाएगा तथा इसका सुहाग अमर हो जाएगा।
वह ब्राह्मण कन्या विवाह के उपरांत तीज का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह पूर्ण जीवन सौभाग्यवती बनी रही तथा समस्त सुख प्राप्त करे। हे तीज माता, कथा कहने सुनने तथा हुंकारा भरने वाले प्रत्येक पर अपनी कृपा बनाए रखना और उनको अखंड सौभाग्य का वरदान देना तथा परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में तीज माता की जय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।